हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सादाब खान ऑटोमोबाइल्स एंड टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एंकर का एक एक्सटेंशन बोर्ड है 6 सॉकेट के साथ। तो आपने देख लिया एंकर पाई पैनासोनिक, ये स्पाइक गार्ड 6 सॉकेट विद सिंगल स्विच। तो आज इसके बारे में बात करेंगे कि हमारा कहाँ पर इस्तेमाल होता है, और ये इसका ऐसा फोटो है अंदर इसका, और इस पर लिखा हुआ है 6 यूनिवर्सल सॉकेट विद शटर, ऑटो डिफेक्ट डिटेक्ट वायर कनेक्शन, फ्यूज प्रोटेक्शन, इंडिविजुअल ऑन ऑफ स्विच, पावर ऑन इंडिकेटर और 1.5 मीटर पावर कॉर्ड, 1.5 मीटर लंबी इसके साथ एक वायर है, तार है इसके साथ, और ये इसमें फ्यूज़ है अंदर, एक सिंगल स्विच है। स्विच ऑफ करते ही अब मैं दिखाऊंगा निकाल के अंदर से। तो इससे पहले जो चैनल पर नए जुड़े हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये एरियाज़ ऑफ एप्लीकेशन कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हो आप, तो कंप्यूटर एंड इट्स पेरिफेरल्स, होम अप्लायंसेस, ऑफिसेज, टेलीविजन सेट्स, वीसीडी डीवीडी प्लेयर, म्यूजिक सिस्टम, आईएसओ सर्टिफाइड कोड है, और फिर पीचेस पर स्पाइक गार्ड के कुछ इंडिकेशन दिए हुए हैं कि भाई आपके इसको कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें एक स्पाइक का मतलब होता है जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी में वोल्टेज का कुछ परिवर्तन होता है, उतार चढ़ाव होता है, तो उसके हिसाब से ये अपने आप एडजस्ट कर लेता है। मान लिया 5-10 वोल्ट ऊपर नीचे हुए तो ये अपने आप एडजस्ट कर लेगा। ये एक्सटेंशन और स्पाइक गार्ड इसीलिए है, आप डायरेक्ट भी चला सकते हो कोई भी चीज़, लेकिन उसमें उसका खतरा रहता है। तो इसमें फिर नीचे प्रोडक्ट फीचर दिया हुआ है, मटेरियल यूज्ड एक टफ मटेरियल की प्लास्टिक बॉडी बेस है, वर्सेटाइल मल्टीप्लाई प्लग शटर हैंगे इसके साथ, और शटर सॉकेट है, और यूज़ इंडोर एंड ड्राई लोकेशन ओनली ऑलवेज, ये तो छोड़ो कुछ नहीं। और इसका जो पावर कैपेसिटी है कि 1500 वाट से लोड कम हो, से यानी कि 1400 वाट से ज़्यादा आपको इस पर लोड नहीं डालना है सारे 6 के 6 स्विच पर, और वाट 1500 हो गए। करंट इसका 6 एम्पियर का है, और वोल्टेज रेंज 240 से 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है इसकी, करोड़ 1.5 मीटर लंबी इसके साथ डोरी है। और इसका प्राइस मैं बताऊंगा, MRP तो इस पर 708 रुपये लिखा हुआ है, अब मैं बताऊंगा ये मुझे कितने का पड़ा, ये इसका प्रोडक्ट कोड है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको ओपन करते हैं। एक तरफ रख देते हैं, तो फाइनली आपका ये एक्सटेंशन स्पाइक गार्ड ओपन हो गया है। ये एंकर बाय पैनासोनिक, ये ऑन ऑफ का स्विच है इसमें, और यहाँ पर ये आपका फ्यूज़ है, और ये फिर देखो लिखा हुआ भी है, कितना अच्छा कलर भी कितना अच्छा है, मैजेंटा कलर। कंप्यूटर आप इससे CPU कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर मॉनिटर लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर प्रिंटर है, स्पीकर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, इसमें आप अपना वाईफाई फाइबर का केबल कनेक्शन, मोबाइल का चार्जर, कुछ भी चला सकते हो। अगर आपका छोटा मोटा कोई कैफ़े भी है तो वहाँ पर भी आपके लिए बहुत ही सूटेबल होगा ये रखना। और वायर इसके साथ ज़्यादा लंबी नहीं है, ये मैंने थोड़ी सी दिक्कत महसूस की, इसके साथ वायर ज़्यादा लंबी नहीं है, 1.5 मीटर लंबी वायर है इसके साथ। इसको हटा देते हैं, ये इस तरीके का है, और इस पर लिखा हुआ है डब्बे पे ये मोल्डेड है हमारा, मोल्डेड मतलब ये ढला हुआ है, एक सिंगल सॉलिड यूनिट है, ये हटेगा नहीं, ऐसे टूटेगा नहीं, एक तो पैंच वाला होता है ना वो नहीं है। इस पर एंकर की मोहर आप देख सकते हो, और अब मैं इसको पीछे इस पर कुछ लिखा हुआ है वो दिखा देता हूँ। इसको आप किसी चीज़ पर टांग भी सकते हो, कीला करके ना फास्टनिंग से स्क्रू लगा करके उन पर टांग भी सकते हो, ये दिख गया होगा, दोनों अंगूठे पे जो स्लॉट है टांगने के लिए, ये 6 इसमें पैंच लगे हुए हैं पीछे से। अगर आप ज़्यादा बड़े साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो उसको खोल के भी देख सकते हो। अलर्ट एंश्योर प्रॉपर अर्थिंग टू अवॉइड माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक, तो यह सुनिश्चित कर ले कि आपके घर में अर्थिंग है, और नहीं तो आपको हल्के मोटे शॉक लग सकते हैं। तो इसमें अर्थिंग का भी, इसमें 3 इंडिकेटर दिए हुए हैं, मैं बताता हूँ क्या आपको ये कहाँ कैसे कैसे क्या काम करना है। जब आप इसकी पावर कनेक्ट कर दोगे वो मैं दिखाऊंगा अभी आपको, मैं वो भी करके। इस पर ऑल ओके लिखा ऊपर, तो इस पर यही सारी जानकारी है, कोई नई चीज़ नहीं है इसमें, ऐसा ही है जो मैंने बताया। ऑल ओके अगर है तो आपके ये दोनों इंडिकेटर जलेंगे, ये वाले अगर सब कुछ ओके है तो ये दोनों इंडिकेटर जलेंगे, और जैसे अर्थिंग नहीं है तो सिर्फ ये वाला इंडिकेटर जलेगा, ये वाला। और अगर ये दोनों जल गए, ये वाले ये इधरला जल गया या सिंगल ये जल गया, तो अर्थिंग नहीं है, ये जल गया तो न्यूट्रल कनेक्टेड नहीं है आपका। और अगर आपने इसके तार उल्टे कर दिए किसी तरह से, मान लिया आपने ये यहाँ से आगे से इसका एक प्लग काट करके अगर डोरी जोड़ दिया आपने, कोई इसमें तार जोड़ दिया, अगर उल्टे उल्टे सीधे कनेक्शन हो गए, तो उसके बारे में यहाँ पर ये बताया गया है, तीनों की तीनों चीज़ है। और इसमें लिखा हुआ है कि आपको हल्का या भारी शॉक यानी कि बिजली का झटका लग सकता है, बस इसमें इतनी बात थी। तो फ्रेंड्स, अब देखो इसका MRP मैंने दिखाया था आपको 708 रुपये, तो ये प्रोडक्ट दिल्ली NCR से ही ख़रीदा गया है, और इसके NCR में इसकी कीमत लगभग आपको, अगर आप इसके, मैंने तो इसके 460 रुपये चुकाए हैं, 460 रुपये का मुझे पड़ा। और अगर आप इसमें प्राइस में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है,
तो फ्रेंड्स मैंने अब इस एक्सटेंशन बोर्ड को अपने कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट कर दिया है। तो अब इसमें आप देख सकते हैं तो जेन्युइन सॉकेट सेल लगे हुए हैं और एक घर का मैंने एक लोकल सॉकेट भी ले लिया लाइट का एक्स्ट्रा, ताकि मैं आपको ये दिखा सकूँ कि इसमें लोकल भी फिट हो जाते हैं। देखो आप ये बिल्कुल लोकल है, बिल्कुल चालू क्वालिटी का है, ये भी इसमें कनेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। और अब मैं इसको ओपन करूँगा, इसका स्विच है और इसका फ्यूज़ है, ये निकल जाता है बाहर, मैं निकाल ले रहा हूँ कभी कुछ टूट वूट ना जाए, मैं इसको खोल ले रहा हूँ, घूमता है देखो, ये घूमता दिखाई दे रहा होगा। अब मैं इसको ओपन करता हूँ और इससे मैं दिखा दूँ कि एक मॉनिटर, एक सीपीयू इधर रह रहा है इधर, और एक ये रहा डेल का इधर कनेक्शन सिस्टम है ये रखा हुआ है, और फिर हमारे ये कीबोर्ड और ये मॉनिटर वगैरह है, और ये सामने आपको दिख रहा हो तो एक पैनासोनिक का मोटर है, और वो वाईफाई फाइबर आपको दिख रहा होगा, वो दिख गया होगा सीपीयू के बराबर में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब एक्सटेंशन बोर्ड को। ये मैंने स्विच इसका ऑन कर दिया है, ऑन करते ही आप देखेंगे कि एक लाइट भी जल गई साथ में, और ये इंडिकेटर ये वाला जल रहा है, सिंगल इंडिकेटर। अब इसका मतलब ये है कि अर्थिंग नहीं है यहाँ पर, अर्थिंग की प्रॉब्लम है। तो मेरे घर में कुछ दिक्कत है अर्थिंग की, अर्थिंग नहीं हुई है यहाँ पर, इस सप्लाई में तो नहीं है। अगर अर्थिंग होती, अर्थिंग का काम ये होता है, मान लें जैसे लोहे की बॉडी है कंप्यूटर की सीपीयू, अगर मैं नंगे पैर इसको छूँगा तो ये करंट मारती है हल्के हल्के, आपने देखा होगा। और एलईडी के कुछ पीछे के सॉकेट वगैरह होते हैं, जिसमें पेन ड्राइव का स्लॉट होगा, या आपका जैसे टाटा प्ले या डिश टीवी के जो सॉकेट पिन होती है इस तरीके की, ये वाली, ये भी करंट मारती है इसकी, तो यानी कि शॉक लगता है। वो इसीलिए लगता है कि प्रॉपर अर्थिंग ना होने के कारण, अगर अर्थिंग हो तो ये करंट नहीं मारेगी। तो अर्थिंग की पिन ये दी जाती है, मैं दिखा दूँ आपको, ये जो सिंबल, ये जो चिन्ह बना हुआ है, ये जो निशान है, ये अर्थिंग का है। ये आपका न्यूट्रल वायर है, और ये एल का मतलब आपका लाइव वायर है जिसमें करंट होता है। तो अर्थिंग का एक हरा तार घर की सारी लाइन में होता है, जो घर के जो बोर्ड होते हैं उनमें, बोर्ड में जो ऊपर वाली पिन होती है मोटी सी, इसमें हरा तार जोड़ दिया जाता है ज़मीन में, एक 15-20 फुट गहरा गड्ढा खोद के उसमें तांबे की पत्ती डाल करके उस पूरी घर की लाइन को उससे कनेक्ट कर दिया जाता है। इससे जो भी आपके कवर होंगे लोहे के, जैसे फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन होगी, कूलर हो गया, कंप्यूटर बॉडी होगी, कोई भी पार्ट्स हो गया आपका, वो करंट नहीं मारेगा ऐसे धीरे से। अगर बाई चांस उसमें कुछ करंट वरंट आ गया उसकी बॉडी में, तो वो नहीं मारेगा, वो ज़मीन में चला जाता है सीधे। तो ये उसी का इंडिकेट कर रहा है देखो। और ये स्पाइक गार्ड है, मैं बता दिया, स्पाइक का मतलब हल्का सा वोल्टेज में उतार चढ़ाव 5-10 का, ये अपने आप कंट्रोल कर लेता है। और इससे चलाते क्या है हम, इससे हम चलाते हैं हमारे टीवी सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम, एलईडी, वीसीडी, डीवीडी, ये सब इसमें लिखा हुआ है, मैंने डब्बे में दिखाया था, लिखा हुआ है ना ये रहा। अब आप यहाँ से देखो, कंप्यूटर सिस्टम, टीवी, म्यूजिक सिस्टम, ईटीसी, जो स्पाइक इन वोल्टेज ऑटोमेटिकली प्रोड टू सेंसिटिव इक्विपमेंट। सेंसिटिव इक्विपमेंट हमारे यही आते हैं, जिनका ख़राब होने का हमें, शॉर्ट होने का ज़्यादा डर रहता है। अब मान लिया एलईडी है आपकी 50-60 हज़ार रुपये की, वो ख़राब होगी तो दिक्कत हो जाती है। अब देखो जैसे सैमसंग का मॉनिटर है और उधर सामने ही पैनासोनिक का मॉनिटर है, तो मैंने इसमें कोई भी रिस्क नहीं लिया। तो फ्रेंड्स आपको ये फाइबर दिख गया पीछे, वाईफाई फाइबर लगा हुआ है, एक बोर्ड वो सामने आपको दिख रहा होगा वीडियो में छोटा सा, और वो भी टाइम्स कंपनी का काफ़ी अच्छा है, वो भी उसमें 3 ही सॉकेट है। अगर ज़रूरत पड़े तो मैं उसको भी दिखा दूंगा एक बार आपको, वो भी ठीक है। ये पैनासोनिक का मॉनिटर है, ये सैमसंग का, और ये दो सिस्टम रखे हुए हैं यहाँ पर, मैंने दिखा दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं। 6 सॉकेट है, इसमें आप अपना मोबाइल का चार्जर लगा लो एक्स्ट्रा, वाईफाई फाइबर किसी का भी कनेक्शन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में हमारे पास इतनी जानकारी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।